इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बागपत में थूक कर रोटी बनाने वाले होटल पर खाद्य विभाग का छापा। बागपत के टटरी कस्बे में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, होटल पर एक ही जगह वेज नॉन वेज खाने का भंडार। वहीं इसी के साथ कार्रवाई के आधार पर पेपर नहीं दिखा पाया होटल संचालक। चिकन कॉर्नर का थूक कर रोटी बनाने वाला वीडियो हुआ था वायरल। खाद्य विभाग ने नोटिस देकर होटल बंद करवाया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, डीएम के आदेश पर एक्शन लिया गया। थूक कर रोटी बनाने वाले होटल पर खाद्य विभाग का छापा पड़ा है। डीओ साहब, बागपत में अग्रवाल मंडी टटेरी कस्बा है, वहां पर एक नरेश चिकन कॉर्नर को बंद कराया गया है, क्या मामला रहा? जैसा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो था जिसमें थूक लगाकर रोटी बनाने का एक वीडियो था, उसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमें जाँच करने के लिए मौके पर भेजा गया था। उन्होंने खास बाकी टीम गठित की थी, तो मौके पर नरेश चिकन कॉर्नर पर उसका इंस्पेक्शन किया गया। तो उसमें हमने वहाँ पर देखा जाकर, तो जो जिस आटे से रोटी बनाई जा रही थी उस आटे का नमूना लिया गया है, साथ में पनीर की ग्रेवी रखी थी जो कंटेमिनेटेड अवस्था में थी, उसका भी नमूना जाँच के लिए संग्रहित करके प्रयोगशाला भेजा गया है। साथ में जैसे कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट और रूल्स के अंतर्गत जो भी मानक हैं, जैसे कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो भी कर्मचारी के थे वो होना चाहिए था, वो भी उन पर नहीं पाया गया है। साथ में वेज और नॉन वेज को एक ही जगह भंडारित किया जा रहा था, एवं साफ सफाई भी अवस्था अच्छी नहीं थी, जिसके संबंध में उनको एक नोटिस जारी किया गया है, एवं नोटिस का अनुपालन करने तक उनको होटल का संचालन नहीं करने के निर्देश जारी किए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बागपत में थूक कर रोटी बनाने वाले होटल पर खाद्य विभाग का छापा। बागपत के टटरी कस्बे में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, होटल पर एक ही जगह वेज नॉन वेज खाने का भंडार। वहीं इसी के साथ कार्रवाई के आधार पर पेपर नहीं दिखा पाया होटल संचालक। चिकन कॉर्नर का थूक कर रोटी बनाने वाला वीडियो हुआ था वायरल। खाद्य विभाग ने नोटिस देकर होटल बंद करवाया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, डीएम के आदेश पर एक्शन लिया गया। थूक कर रोटी बनाने वाले होटल पर खाद्य विभाग का छापा पड़ा है। डीओ साहब, बागपत में अग्रवाल मंडी टटेरी कस्बा है, वहां पर एक नरेश चिकन कॉर्नर को बंद कराया गया है, क्या मामला रहा? जैसा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो था जिसमें थूक लगाकर रोटी बनाने का एक वीडियो था, उसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमें जाँच करने के लिए मौके पर भेजा गया था। उन्होंने खास बाकी टीम गठित की थी, तो मौके पर नरेश चिकन कॉर्नर पर उसका इंस्पेक्शन किया गया। तो उसमें हमने वहाँ पर देखा जाकर, तो जो जिस आटे से रोटी बनाई जा रही थी उस आटे का नमूना लिया गया है, साथ में पनीर की ग्रेवी रखी थी जो कंटेमिनेटेड अवस्था में थी, उसका भी नमूना जाँच के लिए संग्रहित करके प्रयोगशाला भेजा गया है। साथ में जैसे कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट और रूल्स के अंतर्गत जो भी मानक हैं, जैसे कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो भी कर्मचारी के थे वो होना चाहिए था, वो भी उन पर नहीं पाया गया है। साथ में वेज और नॉन वेज को एक ही जगह भंडारित किया जा रहा था, एवं साफ सफाई भी अवस्था अच्छी नहीं थी, जिसके संबंध में उनको एक नोटिस जारी किया गया है, एवं नोटिस का अनुपालन करने तक उनको होटल का संचालन नहीं करने के निर्देश जारी किए।